अगर आप गोल्डन पील ऑफ मास्क यूज करना चाहते हैं और आप कंफ्यूज है कि कौन सा गोल्डन पील ऑफ मास्क लेना चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय सुपरवेस चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कौन सा गोल्डन पील ऑफ मास्क यूज करना चाहिए। ऑलरेडी मैंने गोल्डन पील ऑफ मास्क यूज किए हैं, बायोटिक VLCC के जो फेशियल किट में गोल्डन पील ऑफ मास्क आते हैं वो वाले यूज किए हैं, उसके बाद एवरयूथ का और खादी हर्बल्स का भी यूज किया है। सो बेसिकली हम फेशियल किट वाले जो गोल्डन पील ऑफ मास्क आते हैं उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि एवरयूथ का गोल्डन पील ऑफ मास्क और खादी हर्बल का गोल्डन पील ऑफ मास्क इनमें से कौन सा बेहतर है और आपको कौन सा लेना चाहिए। सो बेसिकली एक कंपैरिजन वीडियो मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी माय सुपरवेज है, वहाँ पे मुझे फॉलो जरूर करना। और ये वीडियो अगर पसंद आता है तो एंड में लाइक बटन पे हिट कर देना। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम क्विकली आउटर पैकेजिंग के बारे में बात करते हैं। ये है एवरयूथ का गोल्डन पील ऑफ मास्क और ये है खादी हर्बल्स का। ऑफकोर्स ये ट्यूब में आता है और ये डिब्बे में आता है। एवरयूथ का है 90 ग्राम का प्रोडक्ट 105 रुपीज का है और ये है 50 ग्राम का प्रोडक्ट 175 रुपीज में, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली है। उसके बाद कलर में अगर देखा जाए तो इसका कलर ऑरेंज है और इसका कलर येलोइश गोल्डन है। दोनों में गोल्डन पार्टिकल्स होते हैं और दोनों में ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट भी होते हैं। और एक बात, आप कौन सा भी प्रोडक्ट अगर लेते हैं तो वहाँ पे आपको उसके इंग्रेडिएंट्स जरूर चेकआउट करने चाहिए। सो क्विकली मैं बता देती हूँ, एवरयूथ का जो पील ऑफ मास्क है उसमें वाटर, अल्कोहल, ग्लाइकॉल है, मिथाइल पैराबेन है और बहुत सारे केमिकल से टिन ऑक्साइड है, जेलिन गम है और खादी हर्बल के इंग्रेडिएंट है प्यूरिफाइड वाटर, रोज एक्सट्रैक्ट, देन ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट, कुकुम्बर, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, मलबेरी एक्सट्रैक्ट और लैक्टिक एसिड और स्वरा भस्म। तो जाहिर सी बात है इसमें थोड़े केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स है और इसमें हर्बल प्रोडक्ट्स है, तो इससे तो आपको पता चल ही गया होगा कि कौन सा बेटर है फेस पे यूज करने के लिए। और एक्चुअली मैंने एवरयूथ गोल्डन पील ऑफ मास्क का पूरा रिव्यू मेरे चैनल पे दिया है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं इसका एक्चुअल डेमो। तो यहाँ पे मैंने खादी हर्बल्स का ये गोल्डन पील ऑफ मास्क लिया है, तो आप इसका कलर देख रहे हैं येलोइश गोल्डन है और इसमें छोटे छोटे गोल्डन पार्टिकल्स है और इसका स्मेल इतना कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सा है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी थिक है और आपको ये फेस पे लगाने से पहले थोड़ा सा उसको मिक्स करना है अच्छे से, क्योंकि पार्टिकल्स कभी कभी नीचे रह जाते हैं और जेल ऊपर आ जाता है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब यहाँ पे मैं फिंगर की हेल्प से मेरे फेस पे ये लगा रही हूँ और ध्यान रखिए कौन सा भी पील ऑफ मास्क आप फेस पे लगाते हैं तो आपको बहुत ही थिन लेयर अप्लाई करना है। अगर आप थिक लेयर अप्लाई करोगे तो वो सूखेगा ही नहीं, मे बी उसको सूखने के लिए 45 मिनट्स या एक घंटा भी लग जाता है। तो आप यहाँ पे जरूर ध्यान में चीज रखें कि कौन सा भी पील ऑफ मास्क यूज कर रहे हैं तो बहुत ही थिन सा लेयर लगाए और उससे भी रिजल्ट वही आता है जो थिक लेयर से आता है। अब ये पूरा लगाने के बाद आप इसका कलर तो देख रहे हो बहुत ही अच्छा है, उसके बाद आपको इसको सूखने देना है। आधा घंटा लग सकता है या फिर 20 मिनट में भी ये सूख जाएगा। उसके बाद इस मास्क के कॉर्नर्स है वो छूटने लगते हैं, तो आपको कौन से भी एक कॉर्नर से पकड़ना है और उसको ऊपर खींचना है, हेयर ग्रोथ की अपोजिट डायरेक्शन में खींचना है। तो मैं हमेशा पील ऑफ मास्क इसलिए हेयर ग्रोथ के अपोजिट डायरेक्शन में खींचती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे देखती हूँ कि ये कितना स्टिकी है और इससे हमारे चेहरे के छोटे छोटे बाल भी निकलते हैं या नहीं निकलते, तो इसलिए मैं उसको हेयर के ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में खींचती हूँ। आप हेयर डायरेक्शन में भी खींच सकते हैं। या अगर आपको सिर्फ गोल्डन ग्लो चाहिए तो आप ऊपर से नीचे खींचिए और अगर आपको थोड़ा सा डेड स्किन वगैरह निकलनी चाहिए तो आप नीचे से ऊपर खींचिए, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैंने धीरे धीरे उसको खींचना शुरू किया है। अगर आप पेन बेयर कर सकते हैं तो आप एकदम फास्ट उसको खींचिए ऊपर, तो इससे फटाफट हेयर निकल जाएंगे और डेड स्किन भी निकल जाएगी। तो अब निकालते समय आप देख रहे हो थोड़ा सा मुझे पेन हो रहा है, मतलब ये स्टिकी है और इससे बाल भी निकल रहे हैं, तो इससे आपको समझ में आएगा आपके आंखों में कभी कभी आंसू भी आते हैं। चारकोल पील ऑफ मास्क लगाते हो तभी भी ये सिचुएशन आपके साथ होती होगी, तो इससे हमारे हेयर भी निकल रहे हैं, मतलब ये अच्छा स्टिकी मास्क है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी इस पील ऑफ मास्क। सो अब ऊपर का मास्क मैं निकाल रही हूँ लेकिन मेरे बाल अटके हैं, आप देख रहे हैं वीडियो में, तो बहुत ही दिक्कत हो रही थी ये निकालने में। तो आप ये प्रिकॉशन जरूर लेना जब भी आप अप्लाई करोगे तो हेयर अच्छे से पीछे सिक्योर कर देना। और आप देख रहे हैं ये कितना स्टिकी है और ये आपके फेशियल हेयर रिमूव करने में बहुत ही काम में आएगा। सो मैंने धीरे धीरे करके फाइनली उसको निकाल लिया है। तो आप देख रहे हैं 50% रिजल्ट तो इसका मुझे अच्छा लगा। मीन्स सबसे पहली बात तो इससे डेड स्किन रिमूव हुई है फेस की, सो उससे डर्ट, इम्प्योरिटी सब चली जाती है, थोड़े से हेयर भी निकले हैं और इसलिए फेस थोड़ा सा क्लीन और क्लियर दिख रहा है और साथ में हल्का सा ग्लो भी दिख रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि 100% ग्लो दिखेगा बट अच्छा दिख रहा है। सो 50% आप बोल सकते हो ये अच्छे से वर्क किया है इसने।
अब हम बात करते हैं एवरयूथ गोल्डन पील ऑफ मास्क की। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको रिव्यू दिखाया था, तो यहाँ पे मैं वही दिखा रही हूँ। मैंने एवरयूथ का ये पील ऑफ मास्क लिया है। ये लगाने में तो बहुत आसान होता है क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी लिक्विडी होती है, इसका स्मेल बहुत ही अच्छा होता है। और ये आपको इसका भी आपको एक थिन लेयर लगाना है फेस पे, उसके बाद इसको सूखने देना है। और ये जो है मैंने हाफ ऊपर की तरफ निकाला था और हाफ नीचे की तरफ निकाला था। तो ये मास्क आप किसी भी तरह से निकाले लेकिन आपको पेन ज्यादा नहीं होगा। ये इतना स्टिकी नहीं है जितना खादी का था, थोड़ा सा है बट इतना नहीं है जितना खादी का था। सो खादी का बहुत ज्यादा स्टिकी था, सो उससे तो आपके डेफिनेटली ब्लैक हेयर्स, व्हाइट हेयर्स, देन हेयर भी रिमूव हो जाएंगे। और ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगी चारकोल पील ऑफ मास्क आप यूज करें, बट हेयर रिमूव करने के लिए डेफिनेटली आप खादी का यूज कर सकते हैं और हल्का सा ग्लो भी आपको मिलेगा इसमें। एवरयूथ का ये पील ऑफ मास्क मैंने निकाल लिया है और आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये मुझे पसंद नहीं आया था। उसी भी टाइम मैंने बताया था आपको वही, और आज भी यही बता रही हूँ कि ये ऑयली स्किन के लिए थोड़ा सा वर्क करता है बट ड्राई स्किन के लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। खादी वाला जो पील ऑफ मास्क है वो ड्राई स्किन, ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो लोग ये ना यूज करें क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा स्टिकी है। और अगर आप ऊपर से नीचे इसको रिमूव करते हैं तो फिर इट्स ओके, बट सेंसिटिव स्किन वाले अवॉइड करें। उसके बाद एवरयूथ का सेंसिटिव स्किन वाले सभी स्किन वाले यूज कर सकते हैं, बट ड्राई स्किन वाले ये एवरयूथ का यूज ना करें क्योंकि इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखेगा ड्राई स्किन पे, बट ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोग और सेंसिटिव स्किन वाले लोग एवरयूथ का यूज कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया बायोटिक और वीएलसीसी का जो गोल्डन पील ऑफ मास्क था फेशियल किट में आता है वो भी मैंने यूज किया है, तो उसके भी रिजल्ट ओकेश है। तो ये था दोनों का कंपैरिजन। मेरे हिसाब से मेरे स्किन के लिए खादी हर्बल्स बहुत अच्छा रहा, उसके मुझे बहुत सारे फायदे दिखाई दिए। सो मैं खादी हर्बल्स का आप सबके लिए सजेस्ट करूंगी, बस सेंसिटिव स्किन वाले लोगों के लिए थोड़ा सा टेंशन है बट वो भी कर सकते हैं। अगर आपको हेयर रिमूव करने नहीं है तो आप सिंपली हेयर ग्रोथ डायरेक्शन में उसको रिमूव कर देना, दैट्स इट। तो ये सबके लिए वैसे अच्छा है खादी हर्बल्स का। और तो आप डिसाइड कर सकते हैं अब आपको कौन सा गोल्डन पील ऑफ मास्क लेना है। मैं कौन से भी ब्रांड के अपोजिट नहीं हूँ और ये स्पॉन्सर्ड वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। और मेरे चेहरे पे जो सूट हो रहा है नहीं हो रहा है वही मैं आपको बता रही हूँ और दिखा रही हूँ। सो मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, सो प्लीज ऐसे ही मत जाइए, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।